हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। जी नाज़रीन, आज 6 सितंबर जो है यौम दिफा मनाया जाता है और जो शहदा है 1965 के और पूरे पाकिस्तान के, उनको सलाम पेश किया जाता है। इस दिन के मकसद ये होता है कि जो शहदा की फैमिली है उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाए। और आज का दिन जो है खास तौर पर मनाया जाता है, आप देखते हैं कि हर फर्द, हर बच्चा जो है इसको पूरे जोश व खरोश इससे इसलिए मनाता है ताकि वो ये बताया जा सके दुनिया को भी और पाकिस्तान के जो आवाम है और जो शहदा की फैमिली है कि हम आपके साथ हैं और जब तक ये मुल्क है हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। और जब शहीदों की बात की जाती है तो सबसे पहले जो है शहीद, उनको हम सलाम भी पेश करते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा कि आज के दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं। और इसी तरह आज आप देख सकते हैं कि प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का जो मैसेज है उसमें भी यही है कि जी ये जो शहीद है इनकी वजह से ही आज हम इस मुल्क में रह रहे हैं और अगर ये शहीद ना होते तो हम ये मुल्क हासिल ना कर सकते। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इस दिन के हवाले से कि ये इस दिन की कितनी अहमियत है और इसको कितने ज्यादा उजागर करना चाहिए और इसमें हमारा जो है सोशल मीडिया, इसी तरह टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया और जो हमारी आवाम है, तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो शहीद हुए उनके दुख में शरीक होना चाहिए। इसके हवाले से ही हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक शहीद की फैमिली मौजूद है, कैप्टन इस्लाम खान शहीद, अहमद खान शहीद थे जो 1965 की जंग में छमजोड़िया के इलाके में शहीद हो गए थे। उनकी आज बेवा हमारे साथ मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनके दामाद मौजूद हैं और उनके नवासे भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे आपका तारफ कराते हैं, फिर उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मिसेज खालिदा इस्लाम साहिबा मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। उनके साथ डॉक्टर साद रहमान मौजूद हैं जो इनके नवासे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। कर्नल अतीको रहमान साहब मौजूद हैं जो इनके दामाद हैं। कर्नल साहब आपका भी शुक्रिया। और मीना रहमान साहिबा जो इनकी बेटी हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब की वाइफ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपसे, ये बताइएगा कि जब शहीद की बात की जाती है तो जब 1965 में वो वार में थे तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ था? मैं उस वक्त अटक में थी और 65 में जब आज से पहले जंग शुरू हो चुकी थी कश्मीर में जी। और इस्लाम पहले उधर ही थे कसूर के बॉर्डर पे जी। और जब बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो फिर उन्हें ऑर्डर मिले कि आप लोग इधर आ जाएं कसूर के बॉर्डर से छमजोड़ में। फिर ये घर में आए, बस आके मिले और फर्स्ट पहली तारीख को फिर ये घाट से मिलकर हम फिर चले गए जंग में, जहाँ पे जाना था। तो वहाँ पे फिर 5 को फिर उनकी वहाँ पे इंडिया के इलाके में फिर ये जंग में जब हो रही थी तो दाखिल हो गए उसमें पाकिस्तान के जो थे फकर। तो जब ये दाखिल हो चुके और जंग तेज हो गई तो इंडिया वहां से बाहर निकले अपनी चीजें, असला वगैरह सब कुछ छोड़ के। और जब वो चले गए उसके बाद उन्होंने लाहौर पे हमला कर दिया
और पांच को फिर इनको जब वो भागे तो उन्होंने बमबारी शुरू कर दी की गई, तो वो फिर इस्लाम को शैल लग गया। अच्छा ये बताइए कि शैल लग गए और फिर आपको कैसे बताया गया कि जी इस्लाम साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं, कितने दिन के बाद आपको पता चला? जी मुझे, मैं क्योंकि अटक में थी तो वहां से मैं इस्लाम को कभी फोन करवा देती थी जी। आर्मी के थ्रू मेरी उनसे बातचीत दूरी से जंग में तो हो जाती थी, तो जिस दिन के ये पांच की रात सारी रात वो बहुत ज्यादा बेचैन गुजरे, लोग भी जो फौजी थे वो भी कोई भी नहीं सो रहा था, ड्यूटी पे थे ज्यादातर लोग, तो पांच को तो छह की तारीख को जब हो गए, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। जब वो शहीद हो गए तो मेरी जो इस्लाम की जो बहन थी वो भी मेडिकल में उसमें थी, सीएमएच में टिड्डी में, तो उनको भी इतला दे दी गई कि आपका भाई जो है वो इस पे शहीद हो, और ये लोग फिर बाडी लेने चले गए और बम्बारी हो रही थी, तो मेरा एक कजन जो थे वो मुझे लेने आए और ये कहा कि मेरे अबू की मुझे बताया नहीं गया, और कहा कि मेरा एक भाई मेरे पास होता था, तो उन्होंने बताया क्या कि मेरे अबू की तबीयत बहुत खराब है, यानी मेरे जो चचा थे तो उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो आप चले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना, मैं यहाँ इस्लाम से बात कर लेती हूँ और मुझे यहाँ से आदमी की वजह से पता चल जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। वो इसी में इतने में जो वहां के अटक के फौजी थे उन्हें भी सबको पता चल गया, लेकिन मुझे नहीं बताया गया, और वो सब आके ना मेरे घर का सामान पैक करे, तो मैंने कहा आप मेरा सामान क्यों पैक करते हैं, तो वो कहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने भी चले जाना है, तो हमने भी अपने घर वालों को अपने घरों में भेजना है, तो हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपके भाई आए हैं तो आप कजन आए हैं तो चले जाएं। तो जो मेरा अपना भाई था वो मेरे सामने ही आया और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो फिर जब इसी में वो कहीं चले चले, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना, वो करते रहे सामान पैक मेरे घर का खुद ही अफसर जो थे, और उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं कि आप चली जाएं, उनकी हालत ठीक नहीं है, आपके चचा थे तो आप चली जाएं। तो बस फिर मेरी बच्चियां छोटी थी, एक आठ महीने की थी, एक डेढ़ साल की थी। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ था? शादी को तो साढ़े चार साल हुए, लेकिन मेरा क्योंकि जब मेरी ये बेटी भी पैदा होगी तो मैं अपनी ससुराल में थी, मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे बहुत अच्छे थे, मैं उन्हीं के पास रहती थी जी। तो वो महीने की एक छुट्टी इच्छा जोड़ गया उसे उनको मिलती थी तीन दिन की, तो बस वो आते थे मिलते चले जाते थे, तो मेरी बेटी पैदा होगी मैं साल वहीं रही, उसके बाद भी पोस्टिंग लाहौर हुई तो फिर मैं उनके साथ लाहौर गई, वहां अभी देश आ रही तो वो उनको वहां पे कसूर के बॉर्डर पे बुला लिया गया। जब शहीद हो गए इस्लाम साहब उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरा खाली 23 में मेरी शादी मेरा खाली हुई थी, 26 हो गई या कुछ ठीक है, तो बस फिर उसके बाद जब मैं नहीं मान रही थी जबरदस्ती सबने किया, रात हो गई तो मुझे कहा कि नहीं आप चले, तो बमबारी हो रही थी उस वक्त रात हो रही थी, तो मुझे फिर उन्होंने सबने चाहा कहते, फिर मुझे यकीन आया कि नहीं हम इसलिए चाह रहे हैं कि फिर आप अकेली कैसे होंगे, हम भी नहीं होंगे, हम भी अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। अच्छा ये तो वो है, तो जब आपको पता चल गया फिर जब डेड बॉडी आपके सामने आई कितने दिन के बाद? नहीं उस मैं जो उसी वक्त जब पिंडी पहुंची रात को, तो मैं जब अपने बोर्ड बाजार में मेरे दादा का घर था, वहीं सारा खानदान होता था, तो वहां पे जब मैं पहुंची तो काफी दुनिया भी जमा थी, तो लोग थे मोती बाजार राजा बाजार सब लोग इकट्ठे हो गए, सबको पता लग गया जी। लेकिन मुझे नहीं पता था और ना मेरी मदर इन लॉ को पता था, वो
हसन अब्दाल होती थी उनको भी ले जाया गया अलग, वो चली गई इधर से, मेरी नानी ने करवा दिया इधर से, वो कजन मेरा ले गया जी। तो जब मैं अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे यही था कि मेरे चचा मतलब हुए, तो क्योंकि बमबारी हो रही थी तो लाइट ऑन नहीं करते थे, कि जहाँ लाइट होती थी जहाँ बमबारी कर देते थे। तो हमारे घर में काफी लोग जमा थे, तो जब मैं एंटर हुई घर में तो मैंने देखा कि उन्होंने अंदर की लाइट ऑन की, तो रोशनी में मैंने देखा कि रो रहे थे मतलब बाकी के लोग। तो मैं जब एंटर हुई तो मैंने देखा कि मैं कहती हूँ कि मेरे चचा जो है इनकी अगर डेथ हो गई है तो ये बॉडी पलंग से बाहर पाँव निकल रहे हैं, तो चचा का काम इतना लंबा नहीं है क्योंकि इस्लाम 6 फुट से ऊपर के थे। तो आपके तो मेरे जहन में वही था कि चचा हैं, तो मुझे नहीं पता चला। तो मैं बस अभी देख ही रही थी कि भाई ये बॉडी मतलब मेरे चचा की है, तो ये तक कैसे लंबा हो गया। तो मैंने जब चेहरा देखा तो मुझे कभी इस्लाम नजर आए कभी अपने चचा नजर आए, मुझे नहीं पता चला। जब मुझे वो लगा कि ये इस्लाम है या क्या, उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे कान बंद हो गए क्योंकि यकीन पता नहीं था, सस्ता मुझे हो गया। तो बस फिर मुझे नहीं पता चला, कान बंद हो गए, ये मुझे बुलाते करते थे, मुझे किसी की आवाज नहीं आती थी ना, मुझे पता लगता था कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या है। तो जब मेरी हालत ज्यादा देर उभरी थी, सारे रो रहे थे कि भाई ये रो ले, तो मुझे नहीं पता चला। फिर मेरे वालिद मेरी नन जो थी क्योंकि वो मेडिकल में थी मैचेंट, उन्हें पता था, तो उन्होंने कहा इसको रुलाना जरूरी है, अगर ना रुलाया तो खतरा होता है डेथ का। तो उन्होंने फिर मेरे वालिद को बुलाया, तो मेरे वालिद जब आए तो वो मुझे जैसे तुम देख तो ये कौन है तू पहचान, तो मैं देखना बोल रही थी, फिर वो मुझे जोड़ते थे, कहते थे इस्लाम तो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो शहीद हो गया, इनको बहुत बड़ा दर्जा मिला। तुझे तो मुझे जोड़ते तो मुझे नहीं पता चलता था भाई, मुश्किल से फिर अब मुझे पकड़ पकड़ के ठीक करते थे, तो देख तेरा डर खत्म हो गया। तो अब उनकी बेटी से बात करते हैं, ये बताइएगा कि जिस तरह आपकी वालदा जब आपके वालद की शहादत होगी तो आप तो बहुत छोटी थी, तो आपने क्या देखा, आपकी वालदा ने आपको कैसे परवरिश की, और आपकी वालद की कितनी याद इनको आती थी, और उनकी कमी को कैसे इन्होंने पूरा किया और आगे लेकर चले गए। आप तीन बहनें, आपका भाई कोई नहीं है। बिल्कुल, अम्मी को हमने स्ट्रगल ही करते देखा सारी उम्र, और अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है विदाउट हस्बैंड। जी हाँ, लेकिन इन्होंने किया और बहुत हिम्मत से, और हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे फादर नहीं है। वो हमें जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें इस चीज की समझ थी कि हमारे फादर नहीं है, और अम्मी को वो सब कुछ करना पड़ता है जो एक फादर की जिम्मे ड्यूटी होती है, और मदर की भी ड्यूटी इन्हीं को करनी पड़ती है। शायद बेटियां थी तो इस चीज का एहसास हमें था, और हर हाल में बीमारी में और ऐसी कई ऐसी मुश्किलात आती हैं जिंदगी में जो आप किसी को कह नहीं सकते, लेकिन वो आपको खुद फेस करनी पड़ती है, और वो हमने इनको देखा। लेकिन इन्होंने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम एक शहीद की बेटियां हैं, और हर कोई हमें
उस नजर से ही देखता था कि ये शहीद की बेटियां हैं और हमारी भी यही कोशिश होती थी कि अम्मी को कभी हम ऐसा फील ना होने दें कि ये अकेली है। और बहुत छोटी होते ही हम तीनों को इस चीज का एहसास था और इन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी भाग दौड़ की है कि मेरे ख्याल से कि बहुत कम हमने देखा है कि जो वैसे तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर कोई बढ़ चढ़ के करता है जो भी उनसे होता है, लेकिन इनके लिए जो कि इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, एक अपनी शादी से पहले की जिंदगी में, मदर इनकी बहुत जल्दी एट्थ में थी तो वो चली गई इस दुनिया से, इन्होंने अपने भाइयों को भी पाला और इन्होंने फिर उसके बाद मेरे फादर की शहादत के बाद अपने भाइयों को भी संभाला और हमें भी संभाला। शायद अल्लाह ने इनसे पूरी जिंदगी इसी तरह काम लेना था और बहुत इन्होंने मेहनत की है, लेकिन इन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि या ये घबरा गई है या थक गई है या इनसे अब हिम्मत नहीं है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपने? मैं 3 सालों की। 3 साल तो जाहिर आपको थोड़ा बहुत मेमोरी वो वैसे मैं इमेजिन कर लेती हूँ, लेकिन जो घर में मेरी दादी या फुप्पो या अम्मी ने जो बातें हमें बताई है तो वो उनसे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं। हमें किससे सुनाती थी हमारी दादी कि इस तरह से माय फादर ऐसे थे, जॉली थे या इस तरह, तो वो सारी उनकी जो पर्सनालिटी थी या वो हम उनसे सुन के हम एक इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन जो एक बाप की शफकत। अच्छा, वालिद साहब की यहाँ तो यकीन जाहिर है रिश्ता ऐसा होता है आती होगी, तो उसको कैसे देखते थे, कमी कमी फील हुई और उस कमी को कैसे दूर किया? हाँ जी, कमी तो हमें अम्मी ने नहीं कभी महसूस होने दी, लेकिन हम दूसरों के जब फादर्स को देखते थे और अपने ताया को देखते थे कि वो हमें प्यार करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों के साथ जब वो करते थे प्यार, तो हमें उस वक्त थोड़ा सा महसूस होता था कि हमारे फादर भी होते, अब्बा जान होते तो वो इसी तरह हमारे साथ करते जैसे अभी हमारे ताया हमारे साथ जी। वो भी आर्मी में थे, कर्नल हुमायूं, एमए के हुमायूं थे और बहुत बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी और हम उन्हीं को देख के अंदाजा लगाते थे कि हमारे फादर किस पर्सनालिटी के होंगे इस तरह के। हालांकि मेरे ताया बहुत सीरियस और मतलब ज्यादा कम गो थे, लेकिन मेरे फादर उतनी जॉली और हर एक के साथ बैठ के रौनक लगानी, बहुत अच्छा गाना भी गाते थे, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। यूनिट में या कहीं भी मेस में जाते थे तो महफिल में वो सब कहते थे कि जी कैप्टन इस्लाम आप हमें गाना नहीं सुनाएंगे तो हमें ये सही, हमारी महफिल नहीं पूरी होगी। वो भी हमने सुना, उनकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई हुई है, वो हम सुनते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि अच्छा ऐसी आवाज थी उनकी। अल्लाह ने हमें उस चीज से महरूम रखा जो एक, लेकिन इसमें भी अल्लाह की कोई, लेकिन उससे कोई ना कोई उसका आपको अजर भी तो मिला। जी बिल्कुल, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम एक शहीद आज जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल जी, हर आज आपका मुनफरद मकाम है सोसाइटी में, बिल्कुल जी, आपको तमाम लोग सल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल जी, ये तो सब ठीक है, इस दुनिया में हमें बाप नहीं मिला, लेकिन जो उस बाप की वजह से हमें इज्जत मिली, जो रिस्पेक्ट मिली, वो सबसे बढ़ वो सबसे बढ़ के। कमी साहब आपसे बात कर लेते हैं, आप इनके दामाद हैं, तो आपकी शादी जब हुई तो आपको पता था इस्लाम साहब शहीद हो चुके हैं और आपकी मिसेज आपके साथ बैठी हैं, तो जब आपने इस शहीद खानदान से शादी की तो आप उस वक्त क्या सोचते थे, आपने इनकी कैसे मदद की? जब मैंने, ये तीनों बहनें थी, मर्द कोई नहीं था, तो जब शादी होगी तो आप चूंकि सबसे करीब हो गए होंगे शादी के बाद ही, जब
سے میرے ساتھ گئی ہے, اس کے بعد ہم واپس آئے تو میں نے ان کو اپنی ماں کا درجہ دیا, اور جس کی بہنیں تھیں ان کو میں نے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا, اسی طرح بالکل ایک خاندان کی طرح رہا جب تک جہاں بھی ہم رہے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے, ٹھیک, ابھی بھی ہمارے ساتھ جی ہاں جی بالکل, تو کوئی ہم نے ایسا فرق نہیں آج تک, نہ انہوں نے مجھے دماغ سمجھا نہ میں نے ان کو ساتھ. آپ نے حقیقی بیٹے کا جو فرض تھا وہی نبھایا. تو جب آپ دیکھتے تھے ان کو جس طرح ابھی بھی دیکھتے ہیں, یا جب اس وقت, ابھی تو یہ چونکہ ایج ہوگی اتنی, اس وقت تو آپ کیا محسوس کرتے تھے, آپ کو فیل ہوتا تھا کبھی کبھار جس طرح انہوں نے یہ اپنے والد کو مس کرتے تھے؟ جب ہماری ظاہر ہے یہ مسز اسلام بھی تو اسلام صاحب کو مس کرتی ہوں گی, کوئی بات کرتی ہوں گی. جب شادی ہوئی ہے تو میرے ان دنوں یہ جاب کر رہی تھی فوجی فاؤنڈیشن میں, آرمی نے ان کو جاب دیا تھا, لیڈی اسکول تھا اس میں جی, تو میں دیکھتا تھا یہ صبح صبح جاتی ہیں شام کو واپس آتی ہیں, ان کو بھی اسکول سے لاتی تھی چھوٹی بہنوں کو جی, تو بہت انہوں نے محنت کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, بچوں اور ہر وقت کسی چیز کی ان کو کمی نہیں انہوں نے ہونے دی. پورا جو گھر کا ہوتا ہے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے اس گھر کو چلایا, گھر کو چلایا. ساتھ ساتھ کی طرف آ جائیں ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, آپ کی نانی ہے تو ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو ظاہر نانی کا کے ساتھ ویسے بھی بچوں کا زیادہ پیار ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دادی. میرا جی زیادہ انٹریکشن نانوں کے ساتھ ہی رہا جی, اور میں زیادہ ٹائم رہا بھی انہیں کے ساتھ جی, تو ایون جب تک میں بیچلرز انگلینڈ نہیں گیا تھا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جی, تب تک میں موسٹلی ان کے ساتھ ہی رہا جی. سو ہمیں اسکول سے لینا, ہر جگہ سپورٹ کرنا, سو ان کا بہت کردار ہے ہمارے, ان کا بہت. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب پیار کرتی ہیں تو آپ کو کیا فیلنگز آتی تھی اس وقت, اور آپ کو اپنے نانا کی, ظاہر آپ اپنی والدہ سے سنتے ہوں گے اپنے والد سے, تو اس وقت کیا فیل کرتے تھے؟ آبویسلی جی ہمیں تو جیسے میری مدر ہیں ویسے ہی انہوں نے پیار دیا, ہمیشہ ساتھ رکھا, ساتھ ہی رہے. میری ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی جی, وہ تو ان کے پیار کا ایک اظہار تھا, اور بٹ ہم ساتھ رہے گی ساری زندگی ساتھ رہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ آپ نے اسٹرگل کی, پھر آپ نے جاب اسٹارٹ کر دی, تو مشکلات ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور ہمارے معاشرے میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب عورت ہوتی ہے اس کو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, مردوں کو اتنی نہیں ہوتی. تو آپ کو شروع میں پھر جب ان کی شہادت ہوگی تو کتنے عرصے کے بعد آپ نے آپ کو سیٹل کر لیا کہ آپ وہ شہید ہو چکے ہیں, وہ اللہ کے پاس ہیں, شہید تو کبھی مرتا نہیں ہے. تو کتنے عرصہ آپ کو لگا پھر آپ نے دوبارہ زندگی میں آنے کے لیے, اور آپ نے بچوں کی پرورش کیسے کی جب آپ پھر اسکول میں پڑھاتی تھی, تو کیا کیا مشکلات آتی؟ ہاں جی, کیونکہ شروع میں جب شہید ہو گئے تھے تو فقط میں وہ ہوتا ہے کہ بھائی عزت ہوتی ہے جی. اس کے بعد کوئی ایک سال میں اپنے والد صاحب کے گھر رہی جی, تو پھر میرے جو برادر ان لا تھے تو وہ بھی ملے, تو انہوں نے کہا کہ کرنل ہمایوں تھا, وہ کہنے لگے کہ میں اپنے پاس آپ کو رکھ سکتا ہوں سارا کچھ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اپنا گھر ہو جی, تاکہ یہ بچے محسوس نہ کریں جی کہ ہمارا گھر نہیں ہے, اور تم ان بچوں کی خوب پرورش کرو, اور مجھے امید ہے کہ تم بہت اچھی طرح کر لو گی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اپنا گھر ہو اور تم ان کو پرورش اچھی دے سکو جی. پھر میں نے ایسے کیا کہ میں نے اپنا گھر مطلب الگ کیا, میرے فادر نہیں مانتے تھے, وہ صبح آتے تھے رات تک میری لیٹ میرے گھر سے جاتے تھے, تو میں یہ ہوتا تھا کہ ان بچیاں جب تک ان کا داخلہ نہیں ہوا تب تو میں بہت پریشان رہتی تھی, پھر جب ان کی پڑھائی شروع ہوئی تو پھر میں اس میں لگ گئی کہ ان کے اسکول کا کرنا ہے یہ ہے وہ بات, تو پھر ان کی پڑھائی کے لیے میں الگ گئی, تو پھر تھوڑا سا فرق پڑ گیا کہ بھائی اس پہ. پھر اس میں یہ ہوا کہ جب یہ بچیاں آہستہ آہستہ ماشاء اللہ پڑھتی گئیں تو ان کا آہستہ آہستہ حالات ہوتے گئے, پھر جب میں نے سمجھا کہ اب مجھے ضرورت ہے کہ میں بھی جاب کروں, تو پھر میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں جاب بھی شروع کی, اور یہ ہے کہ مطلب یہ میں نے کرنل ہمایوں صاحب جو تھے میرے بردہ ان لا وہ انجینئر تھے, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب کیونکہ میرے پاس جو انشورنس کے پیسے ہیں اور ہاؤس بلڈنگ کے لے کے, تو گورنمنٹ نے جو مجھے زمین دی تو میں چاہتی ہوں گھر بن جائے,
तो उन्होंने खड़े होकर घर बनवाया, पैसा मेरा ही था अपना, मतलब मैं लेना नहीं चाहती थी किसी से और ना मैंने किसी से कभी हेल्प चाही, तो वो मैं उसी पे करती थी। फादर मुझे कहते भी थे तो मैं उनसे भी नहीं लेती थी। सही। अच्छा, तो ये जब आपकी कैप्टन साहब से टेलीफोन पे बात होती, जिस तरह आपने पहले बताया कि जब मैं फोन करती थी तो फोन पे बात होती थी, तो वो कोई शहादत की बात करते थे या कि अगर जंग होगी इस तरह की बात करते थे, या कोई इस तरह की बात नहीं होती थी, घर की बातें नहीं थी? नहीं, जब क्योंकि फोन पे बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि बॉर्डर पे होते थे तो थोड़ी बात सिस्टम भी दूसरा होता था जी, लेकिन ये उससे पहले मुझे वैसे वो बातों में बता देते थे कि जब मैं मतलब हम फौजी हैं, कोई काम मैं कहती थी तो क्योंकि वो बॉर्डर पे ज्यादा रहते थे तो कहते थे मेरे बगैर काम किया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, तो मैं कोई काम करना चाहूँ मैं कहूँ आप आ जाएंगे तो करें, कहते नहीं तुमने करना है और हम तो फौजी हैं और हमें अपने मुल्क के लिए तो करना है, और उनको अपने मुल्क से बहुत प्यार था क्योंकि जब वो इंडिया से आए थे जंग हुई थी तो वो खुद भी इंडिया से पाकिस्तान थे, तो उन्होंने देखा था कि उस वक्त क्या हालात थे और बड़ी मुश्किल से ये बच के आए थे इंडिया से, तो उनको फिर पाकिस्तान से बहुत प्यार था, मोहब्बत थी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो टेलीफोन, तो कभी आपको खत भी लिखते थे? हाँ जी। खत में क्या करते थे, ये कहीं इसकी बात करते थे कि जंग हो गई या मैं अगर शहीद हो गया या इस तरह की कोई बात? नहीं, वो तो मुझे बातों में वैसे कहते थे, खत में बस ये लिख देते थे अपना ख्याल रखो, बच्चों का रखना जी, बच्चों की तस्वीरें मुझे भेज दो, मैं इधर बॉर्डर पे होता हूँ, ये कहते थे मुझे मतलब आता है घर याद आता है, गर्मियां होती है कहते हैं हाँ मुझे पता नहीं कि फ्रिज में आम निकाल के सब खाते तुम मेरे लिए लिखा करती थी, तो जब वो कभी लेटे भी होते थे तो मैं आम लेके जाती थी वो मैं रख देती थी ठंडा ठंडा तो उठ जाते थे, तो वो कह रहे थे मुझे आम भी याद आते हैं, मतलब इस तरह की बात, इस तरह की बात जी घर की, घर की। तो आपने कोई उनकी चीजें भी जो उनकी थी संभाल के रखी या? हाँ जी जी। उसमें जी, क्या जी? उसमें जी तो जैसे यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म ठीक है हाँ, उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ने वो दिए थे हमें उस वक्त शहादत के लिए, वो थे रखी हुई जी जी, जी। और इस तरह की चीजें मेरे पास, इस तरह की और उनकी जो कैसेट होती थी जिसमें वो नगमे सुनाते थे, ठीक है, क्योंकि जंग पहले शुरू हुई थी तो कश्मीर में, तो वो पहले से ही ना मतलब शहीदों के इस तरह के सुनाते थे वो चीजें भी आपने संभाल के रखी है? हाँ जी, उसी में से थी, तो वो अभी भी पड़ी, अभी भी पड़ी है। तो ये बताएं कि इतना अच्छा हो गया, आप तो तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए, 53 ईयर्स जी, तो 53 ईयर्स आपने उनके बगैर गुजारे, तो उनकी कौन सी जो यादें हैं वो सबसे ज्यादा आपको आती हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं? जाहिर है जी, वो जो एक मर्द होता है या ख्याल रखने वो तो हर चीज के होती है जी, लेकिन उनकी मोहब्बत जो थी और सबसे बड़ी चीज थे वो मेरे साथ प्यार करते थे बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल रखते थे और मुझे भी उनसे बहुत प्यार था, और मैं अपने अजीब अकारब में भी देखती थी तो मुझे वो आता था कि इस्लाम में इतनी अच्छी खासियतें थी जो कि अक्सर लोगों में नहीं है, उनमें बड़ा जज्बा, और खास करके वो बूढ़ों का बोझ करते थे, जहाँ यहाँ तक होता था कि जहाँ मेरे फादर के उधर घर हम आते थे तो वहाँ के लोग भी देखते थे, एक दो दफे ऐसे हुआ कि कोई बुआ जा रहा था, लोग काम कर रहे होते थे शॉप पे, तो वो उससे चला नहीं जाता तो उस स्टिक जाके नीचे पकड़ के उससे पूछते थे कि तुम आपने कहाँ जाना है, तो उसको टांगे होते थे, उसको टांगे पे बिठाते थे, उसको देखते थे कि भाई, तो लोग इस चीजों को देखते थे वहाँ की, तो फिर जिस वक्त वो शहीद भी हुए तो सारे लोग बस यही कहते थे कि हमें जब भी वो कभी छुट्टी आते थे या कभी मैं अपने फादर के घर उधर आती थी तो वो लोग फिर बहुत उनका प्यार से देखते थे मिलते थे, और उसके शहादत के बाद भी वो
जी याद करते हैं। याद ये बताइएगा कि जो शहीद हो जाते हैं जिनकी फैमिली, तो आर्मी उनका कितना ख्याल रखती है? आर्मी बहुत ख्याल रखती है। हाँ बिल्कुल, हर तरह से ख्याल रखती है, हर तरह का। फौज ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया जी। मेरा जो घर बना था, मैं भी हमेशा फौज को ही किराया था। मुझे ये नहीं होता था कि रेंट मुझे ज्यादा मिले, क्योंकि मैं कर्जा देती थी घर बनाए, तो वो हाउस बिल्डिंग वगैरह का, बैंक का जी। तो मैं देती थी, लेकिन मुझे ये होता था कि आर्मी के लोग जी। सही। अच्छा, मीना रहमान की जाने बात है, ये बताइएगा कि आप तीन बहने, और उसके बाद जब सबकी शादी होगी, तो अब आपकी वालदा जो इस वक्त है, अब क्या फील करती है? अब तो वो नानी भी बन चुकी है जी। बिल्कुल, ये तो मेरी जो दूसरी बहन है, पहले तो वो आर्मी में थी, यहीं पे थी, तो अम्मी कभी उनके पास, कभी मेरे पास, ये ऑफ एंड ऑन आती जाती रहती थी। फिर वो लोग जो मुझसे छोटी है, वो डॉक्टर भी थी आर्मी में, आर्मी में ठीक है, तो वो लोग फिर फर्दर एजुकेशन के लिए वो बाहर चले गए इंग्लैंड में। तो बस वो फिर अम्मी, क्योंकि मैं ही सिर्फ यहाँ पे हूँ, सबसे छोटी बहन अमेरिका में उसकी शादी हुई थी, तो फिर अम्मी हमारे पास ही होती थी। और अपना घर इन्होंने वो पूरा रखा हुआ था, फुल फ्लेज, कहती थी कि बस इनको ये होता था कि मेरा अपना घर हो, मैं उसको खत्म नहीं करूंगी। लेकिन ये है कि इनको तसल्ली होती है कि मैं अपने घर जाती हूँ और फिर आ जाती हूँ, लेकिन ये कि हमने इनको कभी उस तरह से अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर बेटा होता तो उस वक्त और सिचुएशन होती। अब बेटियां होने के नाते तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये फिर हमारे पास ही होती है। और मेरी बहनों को भी बहुत तसल्ली है कि ये यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा बेटे का जो है रोल प्ले करते, हर तरह से अम्मी को इनके साथ बहुत सपोर्ट थी, तसल्ली थी, कि हर तरह से इनको ये भी गाइड करते थे, अभी आप इस तरह कर लें अम्मी, अभी आप इस तरह कर लें। और अम्मी और इनको और हमें भी तसल्ली थी कि एक बेटे का रोल ये प्ले कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें एक बेटे की जगह बिल्कुल उनको एक ये दामाद। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपकी वालदा सख्त थी, नरम थी, या मतलब बैलेंस थी? अम्मी ने हमें प्यार भी बहुत दिया, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट मदर थी। स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। हम स्कूल में जैसे कभी ऐसा होता था कि हमसे जैसे रिजल्ट आया नहीं अच्छा आया, तो हम सोचते थे कि अम्मी को बताएं कैसे जी, कि ये तो बहुत डांटेंगी, गुस्से होंगी। तो हम कई दफा ऐसा होता था कि जैसे हमारी बसेस सुबह आती थी हमें लेने स्कूल के लिए, तो हम कहते थे सुबह ही अम्मी को बताएंगे, ताकि हमें अम्मी ज्यादा डांट ना सके। अम्मी का खौफ होता था हमें, और शायद वही इनकी सख्ती हमारे बहुत काम आई, क्योंकि शायद फादर्स तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट होते ही हैं, लेकिन इन्होंने शायद हमारे पे सख्ती भी इसलिए भी की कि इनको पता था कि इनके ऊपर बाप नहीं है और ये बेटियां हैं। सही। और इनकी जो स्ट्रिक्टनेस थी वही हमारी जिंदगी को संवार गई। संवार गई। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि आपने बेटे का रोल प्ले किया, आपकी मिसेज भी कह रही हैं, आपकी मदर भी कह रही है, मदर इन लॉ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको इन्होंने डांटा हो? क्योंकि जब अपनी हकीकी माँ है वो डांटती है, तो उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कोई, तो जब इस तरह की कोई बात हो कभी, और कभी अगर ऐसा मोड आया तो आपने उसको कैसे टैकल किया? नहीं, कभी आज तक मैंने नहीं याद कि कोई आया हो। कोई याद नहीं आपको? अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप जाते हैं बाहर फंक्शंस पे ये वो, तो जो लोगों का आप लोगों से मिलते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है जब एक शहीद की फैमिली से मिल रहे होते? देखो, जब जहां तक इनका तल्लुक है जी, तो इनको अभी भी हर जगह पे प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल में जाएं, कहीं जाएं, आउट ऑफ दी वे, ठीक है, उनको वेटिंग एरिया में नहीं बैठना पड़ता हर जगह पे, तो उसकी वजह से काफी हमें वो तसल्ली रहती है। तसल्ली रहती है, बिल्कुल। अच्छा, आंटी की जाने बातें हैं, ये बताइएगा कि जब 6 सितंबर आता है, तो फिर आपको क्या याद आती है कि आज
6 सितंबर है, आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? पूरे जो आपके हस्बैंड हैं वो भी शहीद हैं और बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो उनके लिए भी आज क्या मैसेज? देखिए आप मैं सोचती हूँ कि मेरी जैसी कई औरतें और इसी तरह हैं जी। और उसके अलावा जब 71 की जंग हुई तो उस वक्त ही मैंने अपने घर खाना नहीं बनाती थी, तो मैं सोचती थी कि इतनी अब हालात ऐसे हो गए हैं, मेरे कई औरतें इसी तरह मेरे तरह जब के हालात हो गए थे बंगाल में भी, ये तो मैं बहुत परेशान होती थी कि इन कुर्बानियों से कि इतनी कुर्बानियां हो रही हैं। लेकिन ये कि मुझको भी अपने मुल्क से बहुत प्यार, मुझसे बहुत प्यार, बिल्कुल ठीक है आपका।